पलवल जिले के गांव मरनाका में लड़कियों के हकों को लेकर लाड़ो महापंचायत का आयोजन किया गया, जो लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 वर्ष कैबिनेट की मोहर लग चुकी है, इसलिए इस महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें लड़कियों व महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और सरकार के फैसले का स्वागत किया। इस महापंचायत की अध्यक्ष पूनम को चुना गया। पंचायत में लड़कियों ने अपने अपने विचार रखे। ये उम्र जो 21 साल हुई है सही है। यहाँ हमारे गांव में बहुत सी लड़कियाँ हैं, औरतें हैं, जिनकी शादी 18 से पहले या 12-13 साल में ही हो चुकी है। वो खुद शिकार हो चुकी हैं। वो चाहती हैं कि हमारी बेटियाँ हैं वो पढ़ें, आगे बढ़ें और इस चीज़ का शिकार ना हो, इसलिए वो चाहती हैं कि हमारी बेटियाँ जो हैं वो पढ़ें और उनकी शादी 21 साल से पहले ना की जाए। तो यह है कि अगर 21 साल में शादी की जाएगी तो हम अपने 12वीं के बाद भी पढ़ सकते हैं। वो हमारे लिए अच्छा है। अगर कहीं जॉब भी नहीं मिलती तो मैं हमारे बच्चों के लिए हम पढ़ा सकते हैं, उन्हें ट्यूशन के लिए कहीं भेजना नहीं पड़ेगा। वो ये कहते हैं ना वाले, ये वो क्या करेगी पढ़ के तो वो कुछ नहीं, पर अपना तो करियर बना ही सकते हैं। क्या पता है परिवार कैसा मिले, कोई पढ़ाए ना पढ़ाए, या कोई ऐसा निकल आए कोई शराब पीता हो। वो अपना तो वो है कि अपने पैरों पे खड़े हो सके पढ़ लिख के। तो बेटा, बहुत से लोग इसे गलत मान रहे हैं, मतलब कहाँ तक ये गलत है कहाँ तक सही है जो 18 से 21 साल उम्र शादी के लिए की गई है? ये काफ़ी हद तक लोग मान चुके हैं कि ये उम्र सही है, 21 साल कर देनी चाहिए, क्योंकि जो उन पर बीत चुकी है वो हमारे बच्चों पर ना बीते, इसलिए वो चाहते हैं कि उम्र 21 साल सही है। तो आज का समाज का माहौल कैसा बेटा? समाज का माहौल मतलब वो लड़कियों से पहले ही शादी कर दी जाती है, उनकी मुझसे छोटी है, उनकी काफ़ी लड़कियों की हो चुकी है, तो हम चाहते हैं कि वो आगे नहीं। तो ये पंचायत कैसी रही? ये पंचायत बहुत अच्छी रही, काफ़ी महिलाओं ने हमारा योगदान दिया। जिनकी सोच गंदी है उनको तो हम बदल नहीं सकते, पर जो लड़कियां हैं उनकी सोच है कि ये बिल्कुल सही फैसला लिया है हमारी गवर्नमेंट ने, तो मैं इसका सपोर्ट करती हूँ। और जिनकी सोच गलत है वो तो इन्हें इसे गलत ही समझेंगे। बेटा, आज जो समाज कहता है कि पहले कुछ जैसे माहौल को देखते हो, आज जो समाज में माहौल चल रहा है उसको देखकर बहुत से समाज के लोग कह रहे हैं कि ये गलत है जो 21 वर्ष की गई है, तो मतलब क्या विचार है आपके इस बारे में? वो इसलिए सोचते हैं क्योंकि उन्हें लड़कियों को आगे नहीं पढ़ाना है, बट लड़कियों की खुद की फीलिंग्स वो नहीं समझते। अगर जो पुरुष है, जो लड़कियाँ हैं, वो तो लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहते, तो इसलिए वो ये सोचते हैं कि 21 साल की वर्ष जो है ये गलत की गई है। तो जो महापंचायत आज क्या निष्कर्ष निकला? आज निष्कर्ष निकला है कि जो हमारे जो मुख्य जिन्होंने ये आयोजन किया है वो सुनील जगदान, तो उन्होंने किया है कि इस स्कूल को 12वीं+2 तक करेंगे और जो मिंडकोला का कॉलेज है उसके लिए व्हीकल सब प्रोवाइड करेंगे। तो बेटा, जैसे कि पढ़ाई में आने जाने में अगर आगे आप पढ़ती हैं गांव से 10th के बाद, तो कैसा माहौल होता है दूर जाने के लिए पढ़ाई करने के लिए, किस तरह की दिक्कतें आती हैं? दिक्कतें ये आती है कि लड़कियों को इतना लंबा 3-2 किलोमीटर का रास्ता पार करके जाना पड़ता है, तो अगर ये व्हीकल्स प्रोवाइड करेंगे तो इनको ये प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। देखिए, आज राजकीय उच्च विद्यालय के इस प्रांगण में मंडनाका में हमने लाडो पंचायत का आयोजन किया है। लाडो पंचायत लड़कियों के लिए, लड़कियों के द्वारा, लड़कियों की अध्यक्षता में की जाती है और लड़कियों से जुड़े हुए मुद्दे यहाँ लड़कियाँ खुद उठाती हैं और उसके समाधान भी साथ में बताती हैं। तो आज लाडो पंचायत में इसी गांव की लड़की सोनम को अध्यक्ष चुना गया और उसकी अध्यक्षता में पूरी लाडो पंचायत की कार्रवाई चली है। लाडो पंचायत का मुख्य विषय यह था कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 की जाए, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर जैसे सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं है आज के दिन, और लड़कियों की शादी जो है इस गाँव में 15, 16, 17, 18, 19 में कर दी जाती है, तो सरकार को सोचना चाहिए पहले यहाँ का स्कूल जो है वो 12वीं तक का करे, उसके बाद 10 या 12 गांवों पर एक एक लड़कियों का कॉलेज होना चाहिए, हर एक ज़िले में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए, और साथ में ऐसे व्यक्ति जो 18 से 21 का विरोध बगैर कुछ सोचे हुए कर रहे हैं, तो लाडो पंचायत में निर्णय लिया गया है कि ऐसे लोगों का विरोध लाडो पंचायत करेगी, और ऐसे चाहे सरपंच हो, जिला पार्षद हो, विधायक हो, जब चुनाव आएंगे तो ऐसे लोगों को वोट भी नहीं किया जाएगा जो लड़कियों की इच्छाओं का रोकने का काम करेंगे।
हम भारत सरकार को एक रिपोर्ट लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 में दे चुके हैं, जिनमें हमने लड़कियों के विश्वविद्यालय का भी जिक्र किया है। हमारे हरियाणा में 4 विश्वविद्यालय लड़कियों के लिए स्पेशल खुलने चाहिए। उसी तरह मैं मेरी और हमारी पूरी लाडो पंचायत की ये इच्छा है कि पलवल के इस ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट लड़कियाँ हैं, जो 8वीं 9वीं 10वीं के बाद जिनकी शादी हो रही है। तो एक विश्वविद्यालय, एक कॉलेज इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं जरूर खुलना चाहिए। जालान साहब एक हीरा सदस्य हैं, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जिसने प्रथम बार दिया और जो लड़कियों की भावना दबी हुई है उनको उजागर करने के लिए बहुत रुचि लेते हैं, तो हमने इनसे समय लेकर के अपने गांव के लिए मरनाका के लिए समय मांगा। वो इन्होंने 1 दिसंबर से समय मिलने पर, क्योंकि बीच में ये विदेश चले गए थे, क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल के खिलाड़ी हैं महिलाओं की शिक्षण मतलब प्रशिक्षण, और जो महिलाओं को दबाया जाता है उनकी भावनाओं को अच्छी तरह से उजागर करना और उनके भाव उनको दबाव से दूर करना और उन्हें बोलने की क्षमता देना, और इस प्रकार की जो इनकी भावना में इनकी भावनाओं का धन्यवाद करता हूँ। और इन्होंने आकर के हमारे जो इस गांव में अपना ये लाडो पंचायत लाडो परीक्षण का प्रयोग किया और लड़कियों को और महिलाओं को बोलने की अपनी दबी हुई भावनाओं को उजागर करने के लिए समय निकाला, मैं इसका बहुत बहुत यहाँ पर आने पर धन्यवाद।